Good morning, everyone. Yes, as you know, हमने कुछ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था कल. कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो उसमें कुछ इंटेंसिटी को लेकर बात हुई थी कि जब टू वेव्स आपस में सुपरइम्पोज करेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यू कैन से. और आपने देखा था वो एक वेक्टर सम था. क्या था इंटरफेरेंस में, क्या देखा आपने कि जो वो ऐड होती है उनका जो एडिशन का मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, वेक्टर सम. और इसके बाद इंटरफेरेंस के पॉइंट है ये. सेकंड थिंग, आपने इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कोस फाई की वैल्यू प्लस वन रखी थी और माइनस वन. तो आई मैक्सिमम क्या आया था आपके पास, ए प्लस बी. ए प्लस बी एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव एंड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव. फॉर आई मिनिमम क्या आया था, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ए माइनस बी. ओके, ए में से बी को माइनस कर दो. तो यहां से ए प्लस बी और ए माइनस बी आया था. तो यहां से ये था आपका एम्पलीट्यूड, सॉरी क्या था, एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू आया. बट फॉर आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम क्या करेगा, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होती है, इसके स्क्वायर. तो यहां से आप एक रिलेशन नोट कर लीजिए, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है, सिर्फ एम्पलीट्यूड की पावर वन के इक्वल नहीं हो सकती इंटेंसिटी, बिकॉज रिलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इसकी पावर वन होनी चाहिए और इसका स्क्वायर. जैसे ठीक है, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, मैक्सिमम के लिए आप क्या लेते हैं, ए प्लस बी. तो आप इस एम्पलीट्यूड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पे आर मैक्सिमम निकलेगा, यहाँ पे आर मिनिमम, रिजल्टेंट की बात हो. और ठीक है, फिर हम उसको एम्पलीट्यूड को किसमें, मैक्सिमम और मिनिमम की रेशियो में लिखना चाहते हैं. तो एक रिलेशन नोट कर लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में. Note down this relation. I maximum upon I minimum is equal to a square plus b square. A plus b whole square upon a minus b whole square. Okay. इसके बाद in terms of width, numerical बन जाता है, थोड़ा सा extension देना है इसको. क्या होगा, फ्रिंज की जो विड्थ है W1 अपॉन W2 और यू कैन से I1 अपॉन I2, ये किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. एक फार्मूला आप ये नोट कर लीजिए, ये दो फार्मूले नोट कर लीजिए. इंटेंसिटी का तो पता ही था आपको, इंटेंसिटी की जो रेशो होगी वो एम्पलीट्यूड की रेशो के इक्वल होगी, ठीक है, बट विड्थ की जो रेशो होगी वो भी इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगी. तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. चलो अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल. Note down the statement first. Light wave from two coherent sources
light waves from two coherent sources of intensity ratio ratio given hai 81:1 produce interference. Calculate the ratio of the maxima and minima in the interference pattern. How can you solve this question? कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन? क्या गिवन है? इंटेंसिटी की रेशियो गिवन है 81/1. यू कैन से कैसे लिखेंगे? गिवन I1/I2 गिवन है. इंटेंसिटी है ना I1/I2. निकालना क्या है? I maximum/I min. कैसे लिखते हैं इसको? A² / B² ये वैल्यू कितने गिवन है? 81/81:1 देख सकते हो आप यहाँ से. तो ये गिवन वैल्यू है. कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट I maximum/I min ये कैलकुलेट करना है. ये गिवन है तो कैसे करेंगे? I मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? आई मिनिमम का फार्मूला क्या है? A+B/A-B² यानी कि आपको ये रेशो चाहिए और इसके अंदर आपको दो वैल्यू A एंड B चाहिए. तो A एंड B यहाँ से आप ले सकते हो. कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको होल स्क्वायर लेट कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए. A/B 81/ नाउ दिस स्क्वायर विल बिकम अंडर रूट ऑफ दैट. A/B = 81/1 अंडर का रूट एंड दिस बिकम 81√9, 1√1. सो फ्रॉम हेयर A/B = 9/1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A = क्या आ जाएगा? 9B. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 9B. ओके, इस तरह से लिख सकते हैं. यस, पुट हियर इन दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ I maximum/I min. नाउ I maximum/I min = A. Instead of A, we can put 9B + B² / again the value of A is 9B - B². Okay, right. Next, क्या होगा इसके बाद? I maximum/I min will be equal to 9B + B (10B)² / 9B - B (8B). Okay, ठीक है. क्या होगा? 10^2 100B² / 8^2 64B² कैंसर. कट करिए इसको, 4 पे
फोर टू एट, फोर फाइव का 20, फोर वन का 4, फोर सिक्स का 24, ओके 25 होता है, फोर सिक्स का 9, फोर सिक्स। सो नाउ द फाइनल आंसर इज आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 25 अपॉन 16। दिस इज योर नंबर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक क्वेश्चन वेट को लेके करते हैं। इंटेंसिटी गिवन हो और आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, तो ध्यान देना आई मिनिमम और आई मैक्सिमम भी पूछ सकता है, ठीक है? तो न्यूमिरेटर में कौन रखना है, डिनोमिनेटर में कौन रखना है, इसका ध्यान रखेंगे। Now the next numerical in terms of width. If two trees constructive और destructive interference बनाया था ना आपने, उसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, लेकिन उसका भी हमने एक्सप्रेशन करना है फ्रिंज विड्थ के लिए, तभी वो नाम अभी तक आपको नहीं बताया गया था। If two slits, young double slit experiment, जिसके आप अंदर आपने इंटरफेरेंस करके देखा था, have width ratio is given 4:2 का। Deduce the ratio of maxima and minima in the interference. इसको deduce कीजिए, deduce in the ratio of maxima and minima इंटरफेरेंस पैटर्न। अगेन आपको मैक्सिमा और मिनिमा रेशियो चाहिए, कैसे करेंगे क्वेश्चन? वी नो दैट फार्मूले याद हो जाएंगे, आई वन अपॉन आई टू किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। But remember this thing, width ratio is also you can take it in this formula, W1 upon W2. ठीक है? So W1 upon W2 is what? The value of W1 upon W2? 4:1. So this is given. ये given है आपके पास, ठीक है? तो I maximum और upon I minimum कैसे निकाल लेंगे? इसके लिए क्या चाहिए आपको? a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स a और b की वैल्यू। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, करें चलो, यहाँ से a b ये वाला फार्मूला उठा लेते, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यू कैन राइट this a square upon b square in this way. Now a by b is equal to 4 upon 1 under the root, because this square becomes under root on the other side, and now this becomes 2 by 1. Now a by b is equal to 2 by 1. By cross multiply you can see a is equal to 2b.
a will be equal to 2b. Now put a is equal to 2b in this relation. Then I maxima upon I minima is equal to, instead of a, put 2b plus b whole square upon again 2b minus b whole square. Now 2b plus b, 3b whole square upon 2b minus b, only b square is left. And now the final answer is 9b square upon b square, b square to b square cancel, 9 by 1. So this is your answer. Okay. Note karo. इसके बाद इंटरफेरेंस आपने देखा वेक्टर एडिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वेक्टर एडिशन आपने प्लस वन में पढ़ा था, रिजल्टेंट लेते थे, सेम थिंग इज हियर। और साथ में अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो इंटरफेरेंस होता है वो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर भी ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे देखते हैं तो नोट करिए, टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है इस बार, क्योंकि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर का पैटर्न बनाया है। हर एक आर्टिकल को मतलब डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके आप उसके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वी टेक आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम को क्या लेते हैं आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड आई मिनिमम एंड आई मिनिमम इज इक्वल टू, हालांकि कॉन्स्टेंट भी होता है यहाँ पर, लेकिन वो कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, कैंसल वैंसल हो जाते हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा लेते नहीं, लेकिन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, इंटेंसिटी को साथ में के। पता है ना इस चीज का, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हालांकि हम ए आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर लेकर करते हैं, लेकिन सही मायनों में क्या होता है, के इज कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी, एवरेज इंटेंसिटी कैसे लेंगे आप, एवरेज इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, दोनों को प्लस करिए और डिवाइड बाय टू कर दीजिए, तो क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पुट करिए वैल्यू, के ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस के ए माइनस बी होल स्क्वायर बाय टू, सॉल्व करिए, के कॉमन ले लीजिए, टू बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ओके, टू ए बी से टू ए बी कैंसिल, प्लस माइनस, इसके बाद क्या होगा, के बाय टू, 2a square plus 2b square, ओके, 2 कॉमन ले लीजिए, 2k upon 2, a square plus 2b square,
answer, and we get k a square plus b square. This is the value I average. Note करिए इसको, I average की value ये आ गई है. Interference में आपको I maximum, I minimum का पता है. Energy conservation हम इसमें prove करने जा रहे हैं. ठीक है? If there was no interference, intensity of light from two sources at every point on the screen would be. अगर कोई interference ना हो, तो हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी करके देखते हैं. यू नो एक वेव है उसकी इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी, तो फाइनली हमारी इंटेंसिटी क्या होगी. देखो ये हमने आई एवरेज निकाला है मैक्सिमम और मिनिमम से लेकर. अब हम क्या ले रही है उनका नेचुरल समेशन. नेचुरल समेशन, वी नो दैट आई वन इज इक्वल टू के ए स्क्वायर एंड आई टू इज इक्वल टू के बी स्क्वायर. देन फाइनल इंटेंसिटी विल बी, ऐसा कब लेंगे, इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज. देखो इंटरफेरेंस करने के बाद आपके जो एवरेज आई है वो ये आई है, और इंटरफेरेंस करने से पहले, दिस इज बिफोर इंटरफेरेंस यू कैन से. आपको पता है एनर्जी का लॉ क्या कहता है, पहले जो था बाद में भी वही आए, पहले जो एनर्जी थी बाद में वही आए. तो बाद में तो देखो ये बन गया इंटरफेरेंस के बाद, दिस इज आफ्टर केस ऑफ आफ्टर. ओके एंड दिस इज द केस ऑफ बिफोर. ध्यान से देखिए इसको कि जो एवरेज है वो क्या है. तो जो नीचे जा ये आप देख रहे हो I1 प्लस I2, ये आपका बिफोर इंटरफेरेंस. तो यहां से जो आप इंटेंसिटी की वैल्यू लेंगे वो क्या होगी, तो K को कॉमन कर दीजिए, क्या बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, K बाहर आ जाएगा. तो यहां से देखिए आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एनर्जी क्या थी एवरेज, बिफोर क्या थी. तो यहां से क्या पता लग रहा है कि इंटरफेरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओपे करती है. तो नोट इंटरफेरेंस ओपे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, हेल्पफुल. इसके बाद मैंने आपको कहा था इंटरफेरेंस जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर होता है. किसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर, अगर आप एक अच्छा इंटरफेरेंस बनाना चाहते हो. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई और लाइट ले लेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा. लेकिन कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, विड्थ पे क्या असर होगा. हाँ इसमें दो केस पड़ेंगे, एक तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का, और दूसरा अगर ये सारा इंटरफेरेंस पैटर्न आप एयर की बजाय किसी और मीडियम में ले लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाले. तो हेडिंग दे देते हैं इफ पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, सारा इंटरफेरेंस कहिए ये, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ लाइट, एंड पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक का एक एग्जांपल क्या है, व्हाइट लाइट, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स ऑफ डिफरेंट, सेवन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. प्योर होता है, जरूरी नहीं सात ही हो, तीन हो सकती है, दो हो सकती है, टू और मोर, लिख लो टू और मोर लाइट, डिफरेंट लाइट लिख लो, डिफरेंट वेवलेंथ. उसको देखो मोनो, सिंगल, डाई, डबल, ट्राई,
तीन हो जाएगी, इसमें टेट्रा फोर हो जाएगी, तो कहीं आ जाती है तो पोली वर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक पॉलीटेक्निक वर्ड भी है इसमें, ठीक है। क्या होता है पॉलीटेक्निक? पॉलीटेक्निक कहते हैं ना, टेंथ के बाद पॉलीटेक्निक करेंगे, तो पॉलीटेक्निक होता है। पॉली का मतलब जिसमें कई टेक्निक्स आपकी सिखाई जाती है, उसमें अलग अलग ट्रेड होती है। तो सेम थिंग है, साइंटिफिक वर्ड है पॉली। तो क्या होता है कि व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, द इंटरफेरेंस रेंजेस आर कलर्ड एंड आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। क्या होगा देन, जो इंटरफेरेंस होगा, क्या होगा इंटरफेरेंस, वो आपका कलर्ड होगा। कैसा होगा? कलर्ड। और हम एग्जांपल किसका लेके चलेंगे? व्हाइट लाइट का ही लेकर चलते हैं, चलो, क्योंकि व्हाइट लाइट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, इसकी रेंज भी पता है आपको, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन में आता है, इसमें विजिबल लाइट में, विजिबल रीजन में। ये सारी चीजें पता होना चाहिए ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आप पढ़ोगे। चलो, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? विद जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होगा। वेवलेंथ कम किसकी होगी? वॉयलेट की, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा फैलेगा? स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी? वॉयलेट। स्कैटरिंग लो, ये सारी चीजें आप जानते हो। चलो, तो अगर आप ये लेते हो, इफ पोलोक्रोमेटिक लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको नहीं लेते हैं, तो देन इंटरफेरेंस विल बी कलर्ड। दिस इज योर आंसर। लेकिन इस कलर्ड में भी आपको पता है कितने कलर होंगे? व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। तो ये चीज जानना जरूरी है कि, और साथ में क्या बोला मैंने, कलर्ड एंड अनइक्वल विड्थ, दो चीजें होंगी, कलर्ड एंड अनइक्वल विड्थ। तो कैसे देखते हैं, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, एज डेल्टा वी इज मिनिमम द फ्रिंज इज नियरेस्ट टू आइदर साइड ऑफ सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज वॉयलेट। यानी कि जब आपने इंटरफेरेंस बनाया था तो व्हाइट जो ये सेंट्रल सेंटर में जो थी स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल जो बनी थी वो ब्राइट फ्रिंज बनी थी। क्या बनी थी? फॉर मोनोक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक में वो कह रहे हैं अभी भी ये ब्राइट ही बनेगी। सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी? ब्राइट, ठीक है, ब्राइट बनेगी। नो इशू, अभी भी वो व्हाइट लाइट कैसी देगी? व्हाइट लाइट ही देगी। बट जो इसकी साइड होंगी, जो इसके साइड के किनारे होंगे वो कैसे होंगे? यस, सबसे जो पास होगा इसका सेंट्रल फ्रिंज के साथ वो होगा वॉयलेट। वॉयलेट मीन लाइट ब्लू कलर, यानी कि यहाँ पर आपको इसके साथ में ब्लू कलर हल्का सा चिपका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। इस साइड भी क्या होगा? वॉयलेट सेंटर के बिल्कुल साथ में कौन सी दिखाई देगी? यस, वॉयलेट, ब्लू कलर, एक तरह से वॉयलेट, ठीक है। उसके बाद इधर भी वॉयलेट, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपके और कलर भी होंगे, ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा? नियरेस्ट कलर ये होगा एंड द फार्थेस्ट। आपको पता है बीच में कौन कौन से कलर आएंगे? फिर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये तो सारे ब्लू कलर के ही होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू,
यहाँ तीन तक तो क्या होगा, ब्लू कलर तो ही शो करता है, ये ग्रीन येलो ऑरेंज फिर लास्ट में रेड, तो उसके बाद बीच में आपको यहाँ पर ग्रीनिश कलर दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ग्रीनिश कलर। पैटर्न अभी भी देखो वैसे ही बनेंगे बट कलर आ जाएंगे इसमें। सबसे बीच वाला कौन सा कलर होगा, व्हाइट, ब्राइट कलर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लू आ जाएगा, ब्लू के बाद ग्रीन येलो ऑरेंज, मेरे पास इतने सारे कलर नहीं है, ठीक है, तो लास्ट में कौन सा बनेगा, रेड, लास्ट में कौन सा कलर बन जाएगा इसमें, रेड। तो इस तरह की फ्रिंजेस आपको मिलेंगी व्हेन यू यूज पॉलीक्रोमेटिक लाइट फॉर इंटरफेयर, अगर आपने पॉलीक्रोमेटिक लाइट का यूज किया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो ये तो हो गया कलर्ड को लेकर, अब बात करेंगे विड्थ को लेकर, इसको और अनइक्वल विड्थ होगी, यू नो जो ब्राइट होगी वो ज्यादा विड्थ की होगी, फिर ब्लू वाली की विड्थ कम हो जाएगी, ग्रीन वाली की उससे कम हो जाएगी, रेड वाली की और कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, पॉलीक्रोमेटिक वाला आ गया समझ में। इसके बाद क्या है कि अगर इफ द होल अपरेटस ऑफ यंग डबल स्लिट, अगर ये वाई डी एस पी एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन अदर मीडियम इंस्टेड ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को हटाइए, यानी कि म्यू इज इक्वल टू वन, आपने ये वाला केस नहीं लेना है। म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वन, ये मतलब हुआ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वन है तो कोई, ये तो रेयर मीडियम का काम करेगा और ये डेंसर मीडियम का, ये सारा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इफ द होल अपरेटस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड, देन क्या होगा इंटरफेरेंस फ्रिंज के साथ, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाए, जो फ्रिंज की चौड़ाई है, आंसर क्या रहेगा इसका, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। अब वो डिक्रीज कितना होगी ये कैसे पता लगेगा, तो